सो हाय गाइस, दिस इज अक्षत एंड यू आर वाचिंग ड्रोन अनबॉक्सिंग विद एके। तो यार आप देख सकते हो अपने सामने जो है फायर फ्लाई ड्रोन है, और आज इसकी करने वाले अपन अनबॉक्सिंग और जो है ट्यूटोरियल वीडियो भी है। आप देख सकते हैं इसका जैसे कि मॉडल है D14, और ये जो ड्रोन को कंट्रोल करना है अपने रिस्ट वॉच से। इसके अंदर बहुत सारे फीचर जो है अपन को देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इसके साइड में भी बहुत सारे जो अधिकतर फीचर्स बता दिए हैं, ग्रेविटी सेंसर, इंफ्रारेड, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस, कूल लाइट, एल्टीट्यूड होल्डिंग और जो है थ्रोइंग फ्लाई रिएक्शन। तो यार बहुत ही तगड़े से जो है फीचर्स है, और इसकी जो ग्रेविटी सेंसर है 2.4 GHz की है, और ये जो है बैक लुक है इसमें जो है एक और चीज देखने को मिल जाती है जैसे कि छोटा रिमोट, ये जो है टेक ऑफ और लैंड के लिए, ड्रोन के लिए। तो इसकी ही आज अपन करने वाले अनबॉक्स। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का से लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो यार अब कर लेते अपन इसकी जो है अनबॉक्सिंग। मैं इसको निकाल लेता हूँ बॉक्स से। तो यार देख सकते हो जैसे कि ये जो है अपनी अनबॉक्सिंग। आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो देखने को मिल जाता है ट्रांसपेरेंट कवर, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। जैसे ही हटाएंगे वैसे ही आपको देखने को मिल जाता है मैनुअल, जो कि इसमें चाइनीज और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और आप उसके बाद तुरंत देख सकते हैं जैसे कि ये रहा अपना ड्रोन, और ये बहुत ही छोटा सा मतलब स्पाई ड्रोन टाइप देखने को मिल जाता है अपन। बढ़िया सा कॉम्बिनेशन है इसमें। और आप देख सकते हैं ये रहा अपना बैटरी कंपार्टमेंट, और ये रहा अपना जो है स्टैंड से ये ड्रोन के, और जो अंदर और दो चार चीजें देखने को मिल जाती है, जैसे कि इसमें एक्स्ट्रा जो है विंग्स प्रोवाइड करवा दिए हैं, जैसे कि अगर डैमेज हो जाए तो उसको आराम से आप एक्सचेंज कर सकते हैं इससे। और एक बहुत ही बड़ा सा पाउच देखने को मिल जाता है इसमें, जो है रिस्ट वॉच है, एक दो केबल चार्जर है। तो यार अब मैं बता देता हूँ आपको ड्रोन के बारे में। आपको जो है फ्रंट में ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा हाइट तरीके से आपको दिख जाता है। इधर जो है आपको ऐसा लॉन्ग प्रेस करना है तो जो आपका ड्रोन चालू हो जाएगा। अब अपन चलते हैं बैक की तरफ। आप देख सकते हैं बैक में जो है आपको चार स्टैंड ऑलरेडी देखने को मिल जाते हैं, जो कि पूरे लगाए आए हैं। और आपको देखने को मिल जाते हैं इधर बैटरी कंपार्टमेंट, और जो है इंफ्रारेड सेंसर है इधर, एक इधर है और एक चारों साइड भी है। और इधर जो है रिसीवर है। पहले तो मैं बैटरी कंपार्टमेंट को जो है खोल के बता देता हूँ क्या क्या है इसमें। आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें जो है बैटरी देखने को मिल जाती है 400 mAh की, और इसको जो है 20 to 25 मिनट्स तक चार्ज करना है ताकि आप अच्छे से इसको उड़ा पाए और इसका एक्सपीरियंस अच्छे से मिले। तो यार आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें पॉइंट है, और ये जो है ड्रोन का पेन है। तो आपको जो है ऐसा करके इसको जोड़ देना है तो आपका सब पूरा जुड़ जाएगा। तो यही थी अपनी जो है ड्रोन की पूरी फंक्शनिंग, क्या क्या करना रहेगा। आप देख सकते हैं जो है अपने सामने एक्स्ट्रा पार्ट्स है सारे जो है मैंने निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि रिस्ट वॉच है, और जो है दो एक्स्ट्रा फैंस आपको विंग्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपका फ्लाई करते समय डैमेज हो जाए तो आप आराम से इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके संग एक्स्ट्रा जो है आपको स्क्रू भी देखने को मिल जाता है, और जो है दो बैटरी के लिए चार्जर देखने को मिल जाता है, जैसे कि ये वाला जो है रिस्ट को चार्ज करने के लिए, रिस्ट वॉच को। आप देख सकते हैं ये जो पिन इसमें आपको ऐसे लगाना है, लगाने के बाद आपको जो है ये साइड एडाप्टर पे लगा देना है, फिर जो है आपकी चार्जिंग पूरी हो जाएगी। और आप देख सकते हैं ये जो अनादर केबल है ये बैटरी चार्ज करने के लिए है, इसको 20 to 25 मिनट चार्ज करना है तो आपका जो है ड्रोन बहुत ही बढ़िया तरीके से उड़ने लग जाएगा। और जो है ये आपको छोटा सा जो है कंट्रोलर देखने को मिल जाता है, रिमोट टाइप का है, और ये जो है टेक ऑफ और लैंड के लिए काम में आएगा। तो अब मैं बता देता हूँ यार रिस्ट वॉच का, तो चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैं बता दे जो है रिस्ट वॉच की फंक्शनिंग क्या क्या करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जैसे कि बैक लुक में आपको जो है पूरा एडजस्टेबल है, आप इसके अंदर अपना थंब करके पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। फिंगर में एक और टाइप छोटा सा कंट्रोलर देखने को मिल जाता है, आप इसको पूरा अपने फिंगर के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको जो है फ्रंट में आप रिस्ट वॉच में जो है ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है, जैसे ही अगर आप एक बार टैप करोगे तो आपका जो रिस्ट वॉच ऑन हो जाएगा, और अगर आपको ऑफ करना है तो थोड़ी देर तक लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, तो जो
है आपकी रिस्ट वॉच ऑफ हो जाएगी। तो ये जो है कंट्रोलर, आप जैसे इसको दबाओगे तो आपका जो है ड्रोन अप एंड डाउन हो जाएगा, राइट और लेफ्ट हो जाएगा, और जैसे आप रिलीज करके इसको ऐसा ऊपर और नीचे करेंगे तो आपका जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड होने लग जाएगा ड्रोन। और आप देख सकते हैं जैसे कि जो है रिस्ट वॉच के इधर जो है चार्जिंग पॉइंट है, आपको इधर अपना केबल लगा के और उसकी जो दूसरे साइड की पेन है उसको एडाप्टर में लगा के चार्ज कर लेना है। इसकी भी चार्जिंग टाइम जो है 15 मिनट से, इसको चार्ज कर लीजिएगा तो आपका जो है पूरा अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए यार अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं बता देता हूँ यार आपको कैसे ड्रोन को कनेक्ट करना है। आप देख सकते हैं जैसे कि फ्रंट में जो है ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है अपन को ड्रोन का, तो मैं दबा देता हूँ, थोड़ी देर से लॉन्ग प्रेस करूंगा तो देख सकते हैं यार इन बिल्ट जो है लाइट है इसके अंदर, जो कि यार बहुत ही बढ़िया सा लुक दे देती है अपन को। इसमें जो है ब्लू और ग्रीन कलर की लाइट है, बहुत ही अच्छा लगेगा तब आप रात में उड़ाओगे। तो अब मैं बता देता हूँ कैसे कनेक्ट करना है। सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं इधर साइड जो है एक छोटा सा कंट्रोलर दे के रखा था, ये बहुत ही मेन जो है रोल निभाने वाला है क्योंकि ये टेक ऑफ और लैंड के लिए है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे साइड और थोड़ा जोर से इसको प्रेस करना है तो जो है अपना ड्रोन ऑलरेडी चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने इसको ऑन दबाया तो ये अपने जो है ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों की जो लाइट है ब्लिंक होना बंद हो गई है, मतलब जो है अपना ड्रोन रिस्ट वॉच से कनेक्ट हो चुका है। अब मैं जो ये वाला कंट्रोलर टाइप का जो है छोटा सा बॉक्स में, इसमें जो है बटन दबा देता हूँ, जो है अपना ड्रोन उड़ने लग जाएगा। तो मैं अभी पकड़ लेता हाथ में, आप देख सकते हैं जैसे कि अपना जो है ड्रोन उड़ने लग गया है बहुत ही सिंपली। आप देख सकते हैं जैसे कि ये ऊपर और नीचे भी हो रहा है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबाकर लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा।